तो हेलो गाइस, आपसे का स्वागत है आपसे के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। जी हाँ, अगर आप लोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है dvrau.org.in। तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आ जाते हो, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट वाला सेक्शन मिल जाता है। तो सिंपली इस रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे दिसंबर 2021 में, जो कि मई 2022 में रिजल्ट आया, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। या फिर सेशन 2021-2022 में जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 21-8-2022 को एक रिजल्ट आया है एमएससी का। उसी के साथ साथ एमएससी का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल लेना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर रोल नंबर डाल देता हूँ मैं, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दोगे, रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करना होगा। जी हाँ, आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है, जहाँ पर एंटर कैप्चा कोड। तो कुछ इस तरीके से D7 में यहाँ पर डाल देता हूँ। आपका जो भी कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप लोग कैप्चा कोड डाल देते हो, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका जो रिजल्ट वो निकल कर आ जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का चेक कर पाएंगे रिजल्ट। अगर आप किसी और भी सेशन का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2014-2015 से लेकर 2015 से 2016, 2016 से 2017 और 2017 से 2018, 2018 से 2019 और 19 से 20, 20 से 21 और यहाँ पर 21 से 22 का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना शुरू कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।